राजगीर के रत्नागिरी पर्वत की वादियां गुरुवार को गूंज उठी विश्व को शांति का संदेश देता। विश्व शांति स्तूप का 49वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शांति स्तूप के स्थापना दिवस पर वाद्य यंत्र बजाकर शांति का संदेश देने की कोशिश की। जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना किया। उन्होंने परंपरागत वाद्य यंत्र को बजाया और शांति का संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान नीतीश ने कहा कि भगवान बुद्ध को शांति संदेश आज भी देश दुनिया में प्रासंगिक है। राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। सीएम ने कहा कि राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले समस्याओं के समाधान का केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का रिवाइवल होने जा रहा है। भगवान बुद्ध के उपदेशों, गुरु जी की भावना और राष्ट्रपिता गांधी का विचार सबके लिए एक है। Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo